गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ पुष्पांजलि सिंह, योर साइंस टीचर, एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर 4, दैट इज हीट। टुडे वी ऑल विल रीड अबाउट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। यू हैव रीड इन प्रीवियस वीडियो, रेडिएशन इज द प्रोसेस हीट ट्रांसफर from a hot body to cold body without heating the space between two। रेडिएशन वो प्रोसेस होता है जब हीट ट्रांसफ़र होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में विदाउट किसी मीडियम के। अब वहाँ पर हमने पढ़ा था हीट जो होता है, ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट when this heat fall on an object, a part of its reflect and a part of it absorb, and then the temperature of object increase due to absorb the part of heat, and the temperature of object is decrease due to the reflect part of heat। ये तो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हीट पड़ता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, हीट को अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जो क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर वाई वी वेयर समर सीजन वी प्रिफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड विंटर वी कलर क्लोथ्स। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक एक्टिविटी को के थ्रू इसे क्या करेंगे, समझेंगे। एक्टिविटी क्या है, क्या करेंगे एक्टिविटी में, टेक टू कैन एंड पेंट वन ऑफ देम वाइट कलर एंड अदर आर ब्लैक कलर। Then put a thermometer in each of them and pour equal amount of water in each. Keep them in the midday sun for about 10 hours। दोपहर के समय इसको कुछ देर तक क्या करेंगे, सन के लाइट के सामने छोड़ देंगे। Then measure the temperature of water in the both can। अब दोनों वाटर जो कैन में रखे हैं उसके टेम्परेचर को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे। किससे क्या होगा, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर, यस आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट द मर्करी लेवल इन द थर्मोमीटर प्लेस इन द ब्लैक बीकर इज मोर देन इन वाइट वन। कलर यानी डार्क कलर का कंटेनर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब मोर हीट, इस वजह से उसका टेम्परेचर क्या रह रहा है, ज़्यादा रह रहा है, और वो काफ़ी समय तक क्या कर रह रहा है, गर्म रह रहा है। देन लाइट कलर रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट, राइट कलर क्या हो जा रहा है, यानी वाइट कलर में जो अब सन का रेज आ रहा है तो वो क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये क्या हो जा रहा है, जल्दी ठंडा हो जा रहा है। एंड डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू रीज़न वाई इट इज़ मोर कम्फर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। अब हाँ, ये इस एक्टिविटी के जो हमने एक्टिविटी पढ़ा उस एक्टिविटी से ये पता चल गया कि हम वाइट कलर का क्लोथ्स क्यों हम किस में समर सीज़न में पहनते हैं और डार्क कलर का क्लोथ्स क्यों विंटर सीज़न में पहनते हैं। क्यों, क्योंकि जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और जो लाइट कलर के क्लोथ्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, जब सन का रेज आता है तो वो क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन आंसर को हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या, वाई डू वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स इन समर, क्यों हम पहनते हैं लाइट कलर का क्लोथ समर में, बिकॉज लाइट कलर क्लोथ्स रिफ्लेक्ट द हीट बैक इन टू द एनवायरमेंट एंड कीप अस कूल। लाइट कलर का क्लोथ्स क्या करता है,
जब उस पर हीट पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, हीट रिफ्लेक्ट कर देता है, जिस इन्वायरमेंट में रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या होता है, कूल फील होता है। क्यों? क्योंकि वो हीट पहुंच नहीं रहा है, वो हीट क्या हो जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देन नेक्स्ट, व्हाई डू वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर? क्यों डार्क कलर का क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं? क्यों? बिकॉज डार्क कलर क्लोथ्स एब्जॉर्ब द हीट। वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड कीप अस वार्म। और वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या रखता है, कीप अस वार्म रखता है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू उलन क्लोथ कीप अस वार्म? क्यों उलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को क्या रखता है, वार्म रखता है। इसको पढ़ने से पहले, अगर सपोज यू आर गिव द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट एंड और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइंट टुगेदर, आप किसको चूज़ करेंगे, एक सिंगल थिक ब्लैंकेट को कि टू थिन ब्लैंकेट को? किसको हम करेंगे, किसको करेंगे, ब्लैंकेट को। क्यों? द एयर, एयर क्या हो जाएगा, जो जो टू थिक ब्लैंकेट होंगे, एयर क्या हो जाएगा, उसमें ट्रैप कर लेगा। और एयर क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो एयर के लेयर बन जाएंगे, टू लेयर्स, तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को प्रिवेंट लॉस ऑफ हीट एंड कीप अस वार्म। ये क्या रखेगा, वार्म रखेगा, किसके कंपेयर में, सिंगल में, एक मोटी सी सिंगल ब्लैंकेट में की अपेक्षा अगर हम दो पतले पतले लेयर के थिन ब्लैंकेट लेते हैं तो वो ज़्यादा हमारी बॉडी को क्या करेगा, गर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होंगे, एयर ट्रैप हो जाएंगे, लेयर जो उसमें दो लेयर होंगे तो एयर ट्रैप हो जाएंगे, ट्रैप होने से वो क्या करेगा, हमारी बॉडी को ज़्यादा गर्म रखेगा। किसके कंपेयर में, सिंगल में, सिंगल में क्या होगा, एक लेयर है, एयर क्या करेगा, नो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ एयर, इसमें एक्स्ट्रा लेयर होगा नहीं, इस वजह से कंपेयर क्या होगा, जो टू थिक ब्लैंकेट है उसके कंपेयर में क्या करेगा, कुछ लेस वार्म करेगा। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई उलन क्लोथ्स कीप अस वार्म है ना, व्हाई डू उलन क्लोथ कीप अस वार्म? द उलन क्लोथ्स आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, therefore they do not allow the heat from the body to move out the environment। woolen clothes क्या होता है, ये bad conductor होता है heat का। क्यों? क्योंकि ये heat को क्या करता है, environment में move नहीं करने देता है। and as a result the air present between the woolen clothes of our body become hot and then make feel warm। इस वजह से क्या करता है, एयर प्रेजेंट, ये जो एयर होता है बिटवीन द उलन क्लोथ्स एंड आवर बॉडी बिकम हॉट, इन दोनों के बीच का जो एयर होता है, उलन क्लोथ्स और हमारे बॉडी के बीच में क्या होता है, हॉट होता है, जिससे हमारी बॉडी को क्या फील होता है, वार्म फील होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उलन क्लोथ्स को किस में, वो उलन क्लोथ्स क्या करता है, उलन क्लोथ्स एयर को क्या कर देता है, ट्रैप कर देता है। और एयर ट्रैप होता है, जिससे हमारी बॉडी की हीट क्या होती है, एनवायरनमेंट में नहीं जाती है, जिससे हमारी बॉडी क्या फील करती है, वार्म करती है। और लाइट क्लोथ और लाइट क्लोथ एंड डार्क क्लोथ क्लोथ्स क्यों हम पहनते हैं, लाइट क्लोथ समर सीजन में, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, देन कीप आवर बॉडी कूल। और डार्क कलर क्लोथ्स क्या करता है, एब्जॉर्ब द हीट, हीट को एब्जॉर्ब करता है, देन कीप आवर बॉडी वार्म। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय।